मैं क्लास जेवी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मेरे सामने मेरी मम्मी बैठी हुई है और मैं उनसे कोरोना के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, क्या कोरोना की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है? हाँ बिल्कुल, कोरोना का सभी क्षेत्रों पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, जिसमें शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। जो बच्चे पहले स्कूल या कॉलेज से सीखते थे, जो उनका डेवलपमेंट होता था, वो ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा बच्चे जो विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोट हो रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, स्पेशली फॉर द अपर क्लासेस, तो ये आगे उनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। ये ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इससे एक तो टैलेंटेड स्टूडेंट डीमोटिवेट हो ही रहे हैं, साथ में बच्चों में भी पढ़ने के प्रति जो लगन होती है वो कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर टू, क्या कोरोना का प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है? हाँ बिल्कुल, कोरोना का बच्चों की शिक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। बच्चे पूरी तरीके से स्कूल में जो एनवायरनमेंट में सीखते थे, वहाँ पे इतने सारे बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में, वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं सीख पा रहे। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड है, वो तो अपने बच्चों को क्लास दिलवा देते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स अनएजुकेटेड है वो ना तो अपने बच्चों को ढंग से क्लास दिलवा पा रहे हैं। इसके अलावा जो गरीब बच्चे मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत स्कूल जाके एजुकेशन और फूड लेते थे, उनकी हेल्थ और एजुकेशन दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, और बच्चों की आईज पे, उनकी हेल्थ पे ज़्यादा ऑनलाइन क्लास लेने से भी प्रभाव पड़ता है और वो उतना सीख भी नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑनलाइन क्लासेस सेटिस्फाई है या नहीं? जो पेरेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस से सेटिस्फाई तो नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से डेवलप हो, लेकिन जो करंट सिनेरियो है उसमें अगर हम हेल्थ को कंसर्न करें, बच्चे की लाइफ को कंसर्न करें, तो हम कोरोना में बच्चों को स्कूल भेज के समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है। जब बच्चे स्वस्थ होंगे, जब बच्चों की लाइफ होगी, तभी बाकी चीज़ें। तो पेरेंट्स को, भले पेरेंट्स पे बहुत बर्डन है, जो स्पेशली वर्किंग पेरेंट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि उनको अपना ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, बट स्टिल अगर करंट सिनेरियो को देखा जाए तो पेरेंट्स को सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, क्या स्कूल कोरोना में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? जब तक बच्चों का प्रॉपर वैक्सीनेशन ना हो जाए, कोरोना के केस बिल्कुल खत्म नहीं हो जाए, तब तक मेरे अकॉर्डिंग तो स्कूल नहीं खुलने चाहिए, स्पेशली फॉर द प्राइमरी स्टूडेंट्स, बिकॉज स्मॉल किड्स डू नॉट फॉलो द सेफ्टी मेजर्स ऑफ COVID-19, सो इट विल इफेक्ट देयर हेल्थ। और जो छोटे बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन भी नहीं हो पाया है, तो उनके लिए जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा है। तो जब तक कोरोना पूरी तरीके से ना चला जाए, तब तक बच्चों के स्कूल नहीं खुलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या आप सीएम सर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सीएम सर को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो करंट सिचुएशन है वो हम सभी के लिए वर्स्ट है, लेकिन इस वर्स्ट सिचुएशन में हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम को इतना इंटरेक्टिव बनाया जाए, इतना स्मूथ बनाया जाए कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाने की वजह से जो मिस कर रहे हैं, वो बच्चे घर पे ऑनलाइन क्लासेज में ग्रैप कर सके, ऑनलाइन क्लास सब बच्चों तक पहुँच पाए, एंड जो बच्चों के लिए मार्केट में वैक्सीन आए या कुछ इम्यूनिटी बूस्ट करने का आए, जिससे बच्चे जो कोरोना डिजीज है उसको पूरी तरीके से हरा पाए और कोरोना पूरी तरीके से जब खत्म हो तो बच्चे स्कूल जा पाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।